हेलो फ्रेंड, आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं दूध में दही रखने से कितनी अच्छी रेसिपी बनती है? चलिए, नहीं जानते तो चलिए बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरा दही ले लिए हैं और एक कटोरा ही दूध लिए हैं, और हमने दोनों एक समान मेजर किए हैं। और हम चाशनी मतलब चीनी को पहले से पिघला कर रख लिए हैं। इसमें चाशनी टाइप का ही इसमें चीनी, इसमें एक तार दो तार नहीं चाहिए। चाशनी सिर्फ एक उबाल होने तक इस चाशनी को बनाना है। चीनी को हमने पहले ही बनाकर रख लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते। अब हमने गैस पे दूध पैन चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे दूध डालेंगे तब उसके बाद हम इसमें हम दही डालेंगे। और ये बच्चों को बिल्कुल पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चे सब जानते हैं कि ये चीज़ कितने खाते हैं। आप इसे वीडियो को में बने रहिए, स्किप मत कीजिए। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जब ये बनेगी तो आप देखकर। अब इसी में हम वो जो चीनी को पिघला कर रखे थे उसको हम इसी में डाल, अब इसे हम चलाते हुए मिला लेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे ताकि ये जल्दी फटाफट ये उबाल आने लगे। और इसमें से जब उबाल आने लगेगी तो आप देखिएगा, और इसमें बहुत ही ट्विस्ट आने वाली है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि ये कैसे बना, गड़बड़ हो गया, तो फिर बोलिएगा कि हमने इस तरह बनाया, अच्छा नहीं बना। पर आप देखकर बिल्कुल असंभव हो जाएंगे कि ये कितनी टेस्टी रेसिपी बनी है और बच्चे को कितने पसंद आने वाली है। अब इसे हम चलाते हुए देखिए, हम लगातार चला रहे हैं और ये देखिएगा, ये पानी रिलीज करने लगेगा जब इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। और आप बोलेंगे कि ये तो पानी रिलीज कर रहा है, देखिए इसका कलर चेंज होने लग रहा है। और आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चे तो इसे मार्केट में बार बार ख़रीदने जाते थे कि ये किस तरह से पानी रिलीज होने लगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, पर आप ज़रूर इसमें बने रहिएगा तो ये ज़रूर मज़ेदार रेसिपी है और आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। आप वीडियो स्किप ना करिए और बने रहिए। चलिए इसे ये देखिए हाई फ्लेम पर ही हम देखिए किस तरह से ये पानी रिलीज करे। कोई चीज़ हम जब बनाते हैं, आप देख सकते हैं ये दूध और ये दही किस तरह से मतलब पानी रिलीज कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, इसीलिए आप पेशेंस बनाए रखें और ये बिल्कुल गाढ़े होती जाएगी। और देखिए ये थोड़ी देर लगी, पर ये देखिए आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह से हो गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द मतलब थोड़ी देर में गाढ़ी हो गई। और आप हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, ये आप इसे चलाते रहिएगा, मतलब जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो अब इसमें और एक ट्विस्ट है और इसे आप देखते रहिए किस तरह से बनाना है। और आप तो बनाइएगा तो इस जब ये बच्चे खाएंगे ना तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा और बुज़ुर्ग बच्चे सभी भी खा सकते हैं और बिल्कुल ये टेस्टी है। अब इसमें हम जितना लिए थे ना उसका आधा कटोरा हम इसमें काजू ऐड करेंगे। इसको हम अब मिक्सी जार में हम पीस लेते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इतना ही ऐड करना है, जितना हम क्वांटिटी है उसी के अनुसार। अब देख सकते हैं हम इसका पाउडर बना लिए हैं। अब इसे हम इसको इसमें हम डालेंगे, एक कटोरा में रख लेंगे और इसे इसमें हम धीरे धीरे मिलाते हुए इसमें डालेंगे। और जब सभी को थोड़ा सा और देखिए अब रख रहे हैं और मिलाते हुए इसे बनाते जाएंगे और ये हमारी रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनेगी। आप बने रहिए, वीडियो का बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और खाने में तो मत पूछिए कितनी टेस्टी है। आपको एक 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 बार एक बात बताना भूल गया कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको
मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हर वीडियो आप फुल वॉच करके देखिए। और खाने में तो मत पूछिए कितनी टेस्टी है, इजी से हम आप बताते हैं कि आप इसे बनाएं और बिल्कुल पेशेंस रखें ताकि ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बने। और हम इसे चलाते हुए अब इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह से, और बहुत अमेजिंग, मत पूछिए कितना अमेजिंग बना था। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनो हो चुका है, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, इसीलिए प्यार दुलार देते रहिए, और सभी को सबसे प्यार मिलेगा तभी तो हम लोग एक दूसरे के से आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरे के सहारे ही चलना है। चलिए अब इसे देख सकते हैं किस तरह से, और आप लोग सभी पर प्यार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सब लोग एक दूसरे का प्यार बनाना ज़रूरी है, बिना प्यार का सपोर्ट के कोई एक दूसरे से आगे नहीं जा सकता है, इसीलिए सब लोग एक दूसरे पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए ये देखिए, बात करते करते कितनी मैं आप लोगों से कितनी बातें बात कर ली। अब देखिए ये टेक्सचर कितना गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट या मैंने इसे में एक पोलोथीन ले लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे और इसी में हम रखेंगे। इसमें ना इसमें जब इसको रखेंगे तो थोड़ा इसे दबा उबा कर इसका हम अच्छे तरफ से, अब सभी प्लास्टिक में रखेगा ना, गरम गरम रहता है तो नीचे प्लेट रख कर रख लिए हैं, और इसे हम दबाते हुए इसे हम कर लेंगे ताकि ये हमारा और अच्छी तरह से ये बच्चों को बिल्कुल पसंद आएगी। ये चॉकलेट बन गया है, और ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, आप देख सकते हैं। ये डेरी मिल्क चॉकलेट से कम नहीं है, एक बार इसे टेस्ट करके इसे बनाकर देखिएगा, ये डेरी मिल्क से कम नहीं लगती है। और इसे हम दबाते हुए चारों तरफ से इसको आप चाहे तो एक टॉप में सेट कर सकते हैं, चाहे इसी तरह सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है ये चॉकलेट, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर का शुद्ध तरीक़ों से बनाया हुआ चॉकलेट। अब चलिए इसे हम इस प्लेट में सेट कर लेते हैं, और इसको कटिंग करें, इसको घी रख कर हम ग्रीस कर लिए हैं, और इसका कटिंग अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और इसी में हम इसका मिश्रण को रख कर सेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कट जाए। और आप देख सकते हैं इस पर चाहे तो आप फिर से पोलोथीन रख कर आप बेल सकते हैं, या इसी तरह बेल सकते हैं, मैं इसी तरह बेल रही हूँ, और ये बिल्कुल चॉकलेट डेरी मिल्क से कम नहीं लग रही है, और खाने में मत पूछिए। आप एक बार जब बनाकर ट्राई करिएगा तभी पता चलेगा कि कितना टेस्टी बना, और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, अब आपको पता चल गया होगा कि आप क्या बना रहे हैं। अब ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, डेरी मिल्क से तो कम नहीं है। आप मार्केट में जाइएगा डेरी मिल्क ख़रीदने तो कितनी महंगों में मिलती है, पर आप ना घर पे थोड़े से चीज़ सामानों से बना सकते हो, और अपने तरीक़ों से बनाइएगा तो खाने का दूसरा ही टेस्ट मज़ा रहता है और शुद्ध रहता है, और बच्चों को अच्छी तरह से खिला सकते हैं, कोई मतलब डरने की बात नहीं रहती है। और देखिए हमने इसे सेट कर लिया, अब चाकू लेंगे, आप मन चाहे से में काट सकते हैं। अब देखिए मैं चाकू से इसे काट ले रही हूँ, और देख सकते हैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी, ये देखिए। और ये चॉकलेट ना आपको बहुत पसंद आएगी, आप चाहे तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डिब्बे में सेट करके इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टिंग और अमेजिंग है, जो भी खाएगा ये डेरी मिल्क से कम नहीं है, और ज़रूर ट्राई करिएगा, और खाने में मत पूछिए कितना अच्छा है, जब बनाने पर ही स्वाद पता चलता है कि कितना अच्छा है। ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करिए। अब देखिए ये बनकर तैयार हो चुकी है, और देखिए आप जो भी आकार चाहे देना चाहे दे सकते हैं, और आपको ये तोड़ कर बता रही हूँ, देख रहे हैं किस तरह से ये ब्रोक कर रहा है।